JKT 1900 BS के, इसमें टच पैनल भी आता है और कीपैड वाला भी आता है। ये कीपैड वाला है, मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि मशीन को बटन टू बटन कन्वर्ट कैसे करते हैं। सारा प्रोग्राम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये सारा जो पंजा दे रखा है, इसे बैक साइड से खुल जाता है पंजा। ये पंजा की सेटिंग मैंने एक अलग वीडियो में बना रखी है, वो आप देख सकते हो। मैं इसमें प्रोग्राम बता रहा हूँ कैसे चेंज कर सकते हो आप। अभी देखो ये बटन पे है, ठीक है, ये अभी बटन पर है। अब इसे बाटेक पे करने के लिए क्या करेंगे, रेडी ऑफ करेंगे मशीन को पहले। उसके बाद देखो ये यहाँ पे एम बटन एक बार दबाएंगे, 127 आएगा। अगर बाटेक पे है तो 123 आएगा, वो 130 आएगा। अब क्या करना है, अब P1, ये P1, P3 और P5 तीनों को एक साथ दबाना है। तीनों जब एक साथ दबाएंगे ना, बीप की आवाज़ आएगी, ये आगे लंबी बीप आती है, ठीक है। उसके बाद हमें जाना 241, ये दबा के रखेंगे। ये 241 पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद रेडी बटन दबाएंगे, इसमें लाइट जल जाएगी। 241 के आगे 7 है तो ये बटन है, और इसे हम ज़ीरो कर देंगे। अगर ये ज़ीरो, ये बाटेक हो गई। अब यहाँ से रेडियो ऑफ़ कर देंगे, लिखा हुआ आता है पावर ऑफ, पावर को ऑफ कर देंगे। 30 सेकंड के लिए बंद रहने देंगे इसे, उसके बाद ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद INIT लिखा हुआ आता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। ये रिफ्रेश हो रही है अभी, ये रिफ्रेश हो गई, ठीक है। अब देखिए इसे हम रेडी करेंगे, तो ये मशीन हमारी अब बाटेक बन चुकी है। ये देखिए, अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है, ये बाटेक हो गई। अब सेम प्रोसेस है बटन बनाने का। अब देखो बटन बनाने के लिए आप इसे वापस से रेडी ऑफ करिए, एम बटन दबाइए। जब बटन थी तो 127 आया था, अब देखो 130 आ रहा है। अब वही P1, P3 और P5 एक साथ दबाएंगे, लंबी बीप की आवाज़ आएगी। माइनस वाले बटन से 241 पे जाएंगे, ये आ गया, रेडी करेंगे। जीरो को 7 करेंगे, ये 7 कर दिया, रेडी ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ लिखा हुआ आ गया, मशीन को ऑफ़ कर देंगे, कुछ देर के लिए बंद रहने देंगे, 30 सेकंड लगभग। उसके बाद ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सेम INIT लिखा हुआ आता है, अभी रिफ्रेश हो रही है। ये रिफ्रेश हो गई, इसके बाद रेडी कर देंगे। ये आपका मशीन बटन बन गई। अब ये देखिए ठीक है, तो ये तरीका है भैया बटन टू बाटेक कन्वर्ट करने का, JKT 1900 BS के। टच पैनल में सिस्टम भी सेम यही है, तो उसमें क्या है, एम बटन नहीं है, उसमें रेडी बटन है और सेटिंग वाला बटन है, तो उसका डिस्प्ले मैं आपको अलग बना दूंगा।